हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सुनो, आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है। पहली चीज़ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप इसे नो जब भी इसको ट्राई कर रहे हो, जो भी मैं मंत्रास दूंगी, जो भी मैं स्विच वर्ड्स दूंगी, जो भी मैं एंजल नंबर्स दूंगी, आप इसे आराम से ट्राई करो। बट अपना इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रखो एंड अच्छा रखो कि यस, ये पर्सन मुझे अच्छे से कॉल कर रहे हैं, हमारी अच्छे से बातचीत हो रही है या हमारी चैट पे बात हो रही है, व्हाटएवर। एक पॉजिटिव इंटेंशन अच्छे से रखें, बिल्कुल भी एक ईगो साइड से ना रखें कि नहीं नहीं मैं तो पहले कॉल मैसेज नहीं करने वाली हूँ एंड वो ही पहले करेंगे तो ठीक है, हर बार मैं ही करती हूँ। ये सब नेगेटिविटी मत रखो, मन में यही रखो कि जो भी हो, जैसा भी हो, शायद आप उनको कॉल करें, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या बातचीत नहीं हो रही है, चलो जो भी रीज़न है, अगर आप यू नो आपको लगता है कि आप ही हमेशा कॉल मैसेज करते हो, इस बार उनका आना चाहिए, तो एक पॉजिटिव इंटेंशन रखो कि यू नो आई डिज़र्व रिस्पेक्ट, आई डिज़र्व लव, एंड मुझे पर्सन कॉल करे, मेरी सिचुएशन को समझें कि शायद मेरी गलती नहीं थी, एंड जो भी ये हीलिंग हो बट लव, पीस एंड शांति से हो। यू नो हमें कोई भी अपने ईगोइस्टिक तरीके से ये चीज़ नहीं करनी है। सो वो चीज़ का अच्छा इंटेंशन आप रखो। एंड उसके साथ साथ जब भी आप ये रेमेडीज़ करो, आप इसे कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो, ब्रेक ले लेके कर लो। ड्यूरेशन कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन मैं नहीं दे रही हूँ। आप ये मंत्रास नंबर्स को 100 टू 200 टाइम्स, 30-30 टाइम्स रुक रुक के कर लो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है करो। इट्स जस्ट दैट योर इंटेंशन शुड बी गुड, पॉजिटिव एंड दिल से प्रार्थना करके चीज़ करो। ये चीज़ें ज़रूर काम करती हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, क्या कहते हैं मैम मेरा एक्स कॉल नहीं कर रहा, मुझे वो स्पेसिफिक पर्सन कॉल नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो अगर आप किसी पर्सन से कॉल मैसेज चाहते हो तो ज़रूर ये ट्राई करो, इट इज़ हेल्पफुल। और अपने फ़ोन को देख के नो ये चीज़ कर सकते हो, अपने फ़ोन को हाथ में पकड़ो एंड तब ये चीज़ करो। ये चलो फ़ोन अगर साइड में भी पड़ा है, जस्ट प्रे एंड होप कि वो कॉल मैसेज आ रहा है, वो इमेजिनेशन में भी रखो, वो पॉजिटिव इंटेंशन डालो कि यस कॉल आ गया है एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, कि यस फाइनली वो कॉल मैसेज आ गया उनका एंड हमारी बात हो गई एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो बी पॉजिटिव ऑल्सो, अच्छे इंटेंशंस रखो, अच्छा माइंडसेट रखो, सो इट वर्क्स। ठीक है, सो अब जो हमारा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चैंट है, दैट इज़ बिटवीन डिवाइन। ठीक है, स्क्रीन पर मैं लिख दूंगी, बिटवीन डिवाइन आपने कहना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बोलो। ये क्या करता है, अगर आपका कोई किसी से कनेक्शन टूटा हुआ है, नहीं बन पा रहा है, बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन स्टॉप हुई पड़ी है, आप चाहते हो भाई वो आपसे वापस कनेक्ट हो, बात करे, तो बिटवीन डिवाइन वो बीच में यू नो डिवाइन वे से उसको हीलिंग लेकर आता है एंड ठीक करता है। ठीक है, ये ज़रूर बोलिएगा। अब इसके बाद में सेकेंड पावरफुल चैट, दैट इज़ लिसन बिटवीन एक्ट ओपन। ठीक है, लिसन बिटवीन एक्ट ओपन मैं लिख दूंगी स्क्रीन के ऊपर, ये भी आपने बोलना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको बोलो एंड बोलते चले जाओ। चाहिए तो आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के हैंड या लेग पर भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख लो चलेगा, पर ज़्यादातर मैं कहती हूँ लिखो भी और बोलो भी तो बहुत अच्छा काम करता है। चाहिए तो इसको बुक पे भी लिख सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। जैसे भी हो, इस मंत्रा पे जितना फोकस करोगे ना उतना जल्दी रिजल्ट आता है। ये नहीं कि आप नंबर पे गिन रहे हो भाई एक 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 बार हो गया, 100 बार 108 बार हो गया, अभी ठीक है, हो गया हो गया, नहीं। कोई भी मंत्र ऐसे काम नहीं करता, स्पेशली स्विच वर्ड्स एंड नंबर्स ऐसे काम नहीं करते। मोर देन काउंटिंग द नंबर, मंत्रा पे ध्यान दो एंड फिर चैंटिंग करो तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका मेन, दो चैंटिंग हो गई, दोनों को आप करो, दोनों अच्छे हैं। ये फिर ये मत पूछना ये करे कि वो करे, पहली चीज़ तो दिल को जो अच्छा लगता है वो कर लो, ना समझ आए दोनों करो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बाकी दोनों में से कोई एक भी कर लो, दोनों ही टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद योर पार्टनर या पर्सन या जिससे भी आप चाहते हो कॉल मैसेज आया उसके लिए है वो। अब इसके बाद में साथ ही साथ एक नंबर भी चैंट करना है, साथ में वो लिखना भी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी से मैसेज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि ये मैसेज मुझे करे पर्सन, उसके लिए जो नंबर है 8052165 6, 8052165 6। ठीक है, स्क्रीन पे भी लिख दूंगी नंबर। ये नंबर आप इसको ऐसे ही मंत्रा में चैंटिंग करते रहो, 8052165 6, ऐसे ही बोल के इसको चैंट करो। अगेन लिख भी सकते हो लेफ्ट साइड पे एंड जब जब ध्यान में आए इसको बोलते जाओ मन में, वो इमेजिनेशन रखो कि आ पर्सन ने मुझे कॉल कर दिया है, उसने मैसेज कर दिया है एंड आई एम हैप्पी, हमारी बातचीत शुरू हो गई है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, जो हमारे ब्लॉक्स थे हील हो गए। इसके बाद जो दूसरा चैंट है, दूसरा जो नंबर है, दैट इज़ 8246372 1। ये इसके लिए ताकि आपका पार्टनर या जो भी आपका पर्सन जिसको आप चाहते हो आपको कॉल करे,
तो कॉलिंग के लिए ये नंबर है 8246371। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, ताकि वो पर्सन आपको कॉल कर ले, आपसे को मैसेज कर ले, बात कर ले। तो मैसेज वाला जो नंबर था वो पहले था, जो मैंने 8052165 बोला है, एंड सेकेंड वन इज़ द कॉल वन। सो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, आप क्या चाहते हो और क्या आपको रियलिस्टिक भी पॉसिबल लग रहा है। अब देखो, जैसे कुछ लोगों को पता होता है कि ये मेरा पर्सन तो इस सिचुएशन में कॉल तो करेगा ही नहीं, तो उसके लिए कॉलिंग वाला नंबर इतना ट्राई मत करो। अगर आपको प्रैक्टिकल लगता है भाई यहाँ पे मैसेज आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यह मैसेज का ट्राई ज़्यादा करो। अगर आपको लगता है कि भाई ये पर्सन तो इस सिचुएशन में मैसेज कर ही नहीं सकता, करेगा तो कॉल ही करेगा, या वो पर्सन ही ऐसा है कि डायरेक्ट कॉल के मेरे को चांसेस लग रहे, तो कॉलिंग पर फोकस करो। क्यों, आपको ज़्यादा पता हो कि भाई ये सिचुएशन, ये टाइप का पर्सन क्या करने के चांसेस, तो उसी टाइप का वो फोकस रख के करो जो प्रैक्टिकली चीज़ पॉसिबल है। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई उम्मीद ही नहीं है कि करेगा, तो मन में पहले विश्वास जगाओ कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी तक इसने नहीं किया, अब करेगा। वो फेथ के साथ करना रेमेडी, तो काम करेगी, असर करेगी, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट इसमें देखने मिलेंगे, तो ज़रूर ट्राई करो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इसके साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई उपाय करते हो, जब भी आप कोई रेमेडी कर रहे हो, हमेशा उसमें ये इंटेंशन रखो कि ये चीज़ जो अभी मुझे कॉल मैसेज आएगा, यहाँ से मेरी चीज़ें सुधर जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट पर्सन। वो पर्सन खुश है, मुझे खुशी से कॉल कर रहा है एंड मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। एंड ऑल्सो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो एंड पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, सो मैं सेल्फ लव वर्कशॉप कर रही हूँ इसीलिए, ताकि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, सेल्फ लव बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप खुद से जब तक प्यार करना नहीं सीखोगे, तो ये सिचुएशन अगेन एंड अगेन होने के चांसेस होते हैं। तो जो व्हेन यू लव योर सेल्फ, तो ये प्रॉब्लम अगर आए भी तो खुद पे वो आप कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव रहते हो कि चलो भाई जो भी ठीक होगा जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। इस पर सारे टेक्निक है, और इन्फॉर्मेशन चाहते हो सेल्फ लव वर्कशॉप के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में डाल दूंगी या नंबर दे दूंगी, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लो, इंस्टाग्राम पे डिटेल्स है। तो मंथली मैं वर्कशॉप करती हूँ, ये वाली बैच वाइज करती हूँ, ईजी है, 3 दिन की है, तो ज़रूर और इन्फॉर्मेशन ले लो, वो भी ज्वाइन करो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। इट विल हेल्प एंड चेंज योर लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ठीक है गाइस, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो कि कैसे हम और पॉजिटिवली लविंगली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच।